हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर थर्ड, जिसका नेम है विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी फंडामेंटल टर्म्स आएंगी उनके बारे में विचार कर लेते हैं, जैसे विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभव किसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, आप मान लें कि हमारे पास एक इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, परीक्षण आवेश पड़ा हुआ है, प्लस क्यू परिमाण का, बहुत ही छोटे परिमाण का है ये परीक्षण आवेश है। ये अनंत स्थिति पर पड़ा हुआ है। कौन सी स्थिति पर पड़ा हुआ है? ये अनंत स्थिति पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अनंत स्थिति पर हम लोग निर्देश बिंदु मानते हैं इसको, और अनंत स्थिति पर किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है यू इन्फाइनाइट, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? ज़ीरो होती है, ठीक है। क्यों ज़ीरो होती है? क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अनंत तक इस आवेश को प्रभावित नहीं कर रहा, जिस कारण से इसकी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी? ज़ीरो आएगी। बट यदि मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को धीरे धीरे इधर साइड लेके आता जाऊँगा, इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेके आता जाऊँगा, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। सपोज दैट ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है ये प्लस के हुआ आवेश का विद्युत क्षेत्र है। तो आपको पता है कि प्लस के हुआ आवेश का विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से होता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो जैसे जैसे हम लोग परीक्षण आवेश को अनंत स्थिति से इस विद्युत क्षेत्र के पास लाएंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस पर बल लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये विद्युत आवेश इस परीक्षण आवेश को वापस धकेलने का प्रयास करेगा। और हम इस परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आना चाहते हैं? इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो क्या कॉन्सेप्ट है? यदि हम निर्देश बिंदु अर्थात अनंत स्थिति से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाएं, तो हमें विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और एकांक आवेश पर किए गए इसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? वी से डिनोट किया जाता है, ठीक है बात है। एकांक आवेश पर जितना कार्य किया जाता है अनंत स्थिति से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए, उसी कार्य को क्या बोला जाता है हमारे पास? विद्युत विभव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत विभव बोला जाता है, ठीक है बात है। अब ये जो कार्य होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया हुआ कार्य, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जब आप इसको अनंत स्थिति पर देखते हो परीक्षण आवेश को, तो यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो स्थितिज ऊर्जा है वो जीरो है। बट जैसे जैसे हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते जाएंगे, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। और वो स्थितिज ऊर्जा में जो चेंज है वो किए गए कार्य के बराबर होता है हमेशा, ठीक है ना बात। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, विद्युत विभव बराबर एकांक आवेश पर किया गया बाहरी कर्मक द्वारा कार्य अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए। या आप ये भी कह सकते हो कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में उस एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा जितनी परिवर्तित होती है उसी को क्या बोला जाता है? हमारा विद्युत विभव बोला जाता है, ठीक है बात। तो विद्युत विभव का ये फॉर्मूला है। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो क्या होना चाहिए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? आप विद्युत विभव का फॉर्मूला देखें, क्या है विद्युत विभव? स्थितिज ऊर्जा में चेंज प्रति एकांक आवेश, या किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश। तो कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपको पता है क्या रहता है? जूल रहता है, ठीक है।
कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या रहता है, जूल, और बटा में इसके क्या पड़ा हुआ है अपने पास, आवेश, और आवेश का मात्रक हमारे पास क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या बना, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलाम को क्या बोला जाता है भाई, वोल्ट बोला जाता है। ओके, अभी इसके लिए आप लोग क्या करें, विमा तैयार करें, विमा तैयार करें। तो विमा कैसे तैयार करोगे, विमा कार्य की विमा बटा में आवेश की विमा। कार्य की विमा होती है m1 l2 t-2, और बटा में क्या पड़े, आवेश की विमा यानी कि एम्पियर गुणा टाइम। तो जब आप इसको सॉल्व अप करोगे तो ये मिलेगा m1 l2 t-3 और a-1। ये हमारे पास विद्युत विभव की क्या मिलेगी अपन लोगों को, विमा मिलेगी। ठीक है बात है? तो नियम क्या है, कंसेप्ट क्या है, विद्युत विभव किसको बोलते हैं, यदि हम लोग अनंत स्थिति से किसी परीक्षण आवेश को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र तक लाएं और विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। या ये भी परिभाषा आप लोग बोल सकते हो कि अनंत स्थिति से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में उस एकांक आवेश की स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, विद्युत विभवांतर की। किसकी बात करते हैं, विद्युत विभवांतर की। अब देखें कि विद्युत विभवांतर क्या है, नाम से स्पष्ट है, विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के विभवों का क्या होगा, ये अंतर होगा। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सपोज दैट अपने पास इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र है, दोबारा से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दो बिंदु हैं इस प्रकार से, एक तो बिंदु है ए और दूसरा हमारे पास बिंदु है कौन सा, बी। और मैं क्या करता हूँ, परीक्षण आवेश लेता हूँ और परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ लेके जाता हूँ। तो सिंपल सी बात है कि जो ए है इसका विभव अलग होगा जिसको हम लोग वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और बिंदु बी है उसका विभव अलग होगा जिसको हम लोग वी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब हम लोग क्या करेंगे, प्लस आवेश को ए से बी तक लेके जाएंगे तो विभव की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अर्थात ए का विभव और बी का विभव दोनों बराबर नहीं, अलग अलग हैं, जिस कारण से इन दोनों के विभवों के अंदर कुछ क्या होगा, अंतर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर को भी हम लोग इसी प्रकार से डिफाइन करेंगे, विद्युत विभवांतर बराबर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू बिंदु ए से बी तक ले जाने में जितना कार्य किया जाएगा और प्रति एकांक आवेश पर जितना कार्य किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, अब विभव का कंसेप्ट तो क्या था, अनंत से किसी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में एकांक आवेश पर किया गया कार्य, और विद्युत विभवांतर का क्या कंसेप्ट है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, अपना विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको हम लोग डेल वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डी वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मात्रक इसका सेम होगा क्योंकि इसका भी फॉर्मूला कार्य बटा में आवेश है, तो जूल प्रति कूलाम वोल्ट, और विमा भी सेम है, विभव के जैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। हाँ जी, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्चुअल में आपको यदि बताऊं तो जो विद्युत विभव है उस विद्युत विभव का जो अस्तित्व है, विभव का जो अस्तित्व है वो ई के बिना संभव नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, देखो सपोज दैट विभव क्या था हमारे पास, विभव था इसको अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया कार्य ई एक्सटर्नल बटा में क्यू, इसको हम लोगों ने विभव बोला था। ठीक है बात, अब एक मिनट के लिए मान लें कि ये विद्युत क्षेत्र है ही नहीं आपके पास, ये वाला विद्युत क्षेत्र है ही नहीं आपके पास, तो क्या होगा, क्या आपको इस आवेश को यहाँ तक इस लोकेशन तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करने वाली ताकत ही नहीं बचेगी यहाँ पे,
यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र को जीरो कर देंगे तो इस आवेश को प्रतिकर्षित करने वाली कोई भी ताकत या कोई भी यहाँ पे शक्ति नहीं बचेगी, जिस कारण से किया गया कार्य शून्य होगा और विभव की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है बात। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ये निश्चित तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर विभव की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। वहाँ पर विभव की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। बट यदि इसका अपोजिट कर दें, यदि कहीं किसी बिंदु पर विभव की वैल्यू जीरो है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ई का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। ई शून्य हो भी सकता है, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, और नहीं भी हो सकता, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे मैं बोल रहा हूँ ये। तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहीं जीरो है तो निश्चित तौर पर विभव का मान भी शून्य होगा। बट यदि विभव शून्य है तो हम लोग नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नॉन जीरो भी हो सकता है। ओके, इसका मतलब आप एक बात सीख गए कि जहाँ कहीं विद्युत क्षेत्र है उस बिंदु पर विभव का मान भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, विभव का मान भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सपोज दैट मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और मैं इससे आर दूरी पर चला जाता हूँ। कितनी दूरी पर चला जाता हूँ, आर दूरी पर चला जाता हूँ, और इस पॉइंट पर मेरे को पता है कि ई की वैल्यू कितनी होती है। बाय गॉस लॉ ई की वैल्यू इस पर कितनी होती है, ई होता है के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, होता है इतना। तो हमारे पास आंसर है जी होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ई का मान कहीं नॉन जीरो है, ई का मान कहीं नॉन जीरो है, तो वहाँ वी की वैल्यू भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। अर्थात यहाँ यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव को भी परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका मतलब यदि मैं इस पॉइंट पर V का मान निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, अभी हमारा टॉपिक वही है, ये बिंदु आवेश है। तो मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का सूत्र, आर दूरी पर विद्युत विभव का सूत्र। सेम यही चीज़ लिख रहा हूँ। ई का मान अपने को पता है कि के बटे आर स्क्वायर होता है, लेकिन विभव कितना होता है इस चीज़ में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या था, हमारा कंसेप्ट ये था, सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों तरफ होगा इस प्रकार से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, इधर साइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, इधर साइड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर निकलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हर जगह पे मिलेगा आपको, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन हम इसको ओनली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए केवल एक ही लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, रेडियल लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, केवल मैं इसी लाइन का यूज़ कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी इस प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का कंसेप्ट क्या होता है, विद्युत विभव का ये कंसेप्ट होता है कि हम लोग क्या फाइंड कर लें, कोई परीक्षण आवेश लें, उस परीक्षण आवेश को जिस बिंदु पर विभव निकालना है उस बिंदु तक लाने के लिए किया गया बाहरी कार्य निकाल लें और उसमें परीक्षण आवेश का क्या कर लें, डिवाइड कर लें। ये कंसेप्ट है हमारा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक परीक्षण आवेश लेता हूँ, ठीक है, अभी बात परीक्षण आवेश लेता हूँ और निर्देश स्थिति अनंत पर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या जीरो जूल है, ये प्लस क्यू परिमाण का परीक्षण आवेश है, ठीक है। अब मैं इसको अनंत से बिंदु पी तक लाना चाहता हूँ और जितना कार्य किया जाएगा वो डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा, उसमें हम लोग इसी चार्ज का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। तो देखो क्या हमारे पास यहाँ पर टेक्निक होगी, क्या हमारे पास यहाँ पर टेक्निक होगी। अब सिंपल सी बात यह है कि जब मैं चार्ज को इधर साइड लेके आता जा रहा हूँ, इस प्रकार से ऐसे लेके आता जा रहा हूँ, तो निरंतर इस पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है उस फोर्स की वैल्यू, चेंज, क्योंकि अनंत पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइन नहीं होता, जीरो होता है।
अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। जैसे जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा क्यू इंटू ई, उसका मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब ये वाला जो एफ होगा वो एफ कैसा होगा, परिवर्तनशील होगा। कैसा एफ होगा भाई? परिवर्तनशील होगा। कैसा एफ होगा? परिवर्तनशील होगा। ओके, तो मैं इसको पॉइंट ले आता हूँ इस पी पर, या सॉरी इस ओनली इस पॉइंट पर ले आता हूँ मैं इसको पहले। ये पॉइंट भी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पॉइंट इसको आप लोग ए मान लें और इसको पॉइंट बी मान लें। पॉइंट बी पर मैं इस चार्ज को ले आया, कैसे कैसे करता हुआ, और पॉइंट जो हमारा पी है वो, सॉरी पॉइंट बी, वो पॉइंट बी इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, कार्य कैलकुलेट करना चाहता हूँ। क्या कैलकुलेट करना चाहता हूँ? कार्य कैलकुलेट करना चाहता हूँ। और फोर्स कैसा है? फोर्स परिवर्तनशील है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास परिवर्तनशील बल लग रहा हो किसी कण पर, तो हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करके। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बी पर पहुँचते ही पहले इसको मैं बिल्कुल थोड़ा सा विस्थापन देता हूँ आर की ओर, डी एक्स विस्थापन देता हूँ। अब डी एक्स विस्थापन देने में मैंने दिया ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है वो लग रहा है राइट हैंड साइड में, थीटा 180 डिग्री है। तो टोटल जो कार्य होगा इस पर किया हुआ वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? देखो क्या होगा, बिंदु परीक्षण आवेश को, बिंदु परीक्षण आवेश को अल्प विस्थापन dx देने में किया गया कार्य, dx देने में किया गया कार्य। तो इसको आप लोग dw मान लें, माइनस एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस एफ डॉट डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बात। और f की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, जब ये b पर था इनके बीच x डिस्टेंस है, तो कूलम्ब का नियम क्या बोलता है? कूलम्ब का नियम बोलता है कि f इज इक्वल टू के कैपिटल के स्मॉल के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ये वैल्यू उसमें आप लोग पुटअप करें तो dw कितना मिलेगा, माइनस के कैपिटल के स्मॉल के डिवाइड एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। हमें क्या चाहिए? हमें निकालना है टोटल कार्य, कहाँ से कहाँ तक लाने में, अनंत से बिंदु r तक लाने में या दूरी r तक लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो इसके लिए आप इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करोगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू, ये एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि हमारे द्वारा किया गया कार्य है, इसको इंटीग्रेट कर दें आप लोग, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेके r तक। और माइनस साइन में बाहर निकाल लेता हूँ, के कैपिटल के स्मॉल के डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर और डी एक्स, ऐसा है। इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, कांस्टेंट आप लोग बाहर निकाल लें और अनंत से लेके आर लिमिट रखें। ये अनंत से लेके आर लिमिट इसलिए रखिए क्योंकि हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से, और कितनी दूरी तक लेके आ रहे हैं, स्मॉल आर दूरी तक लेके जा रहे हैं। तो टोटल कार्य इस लिमिट के अंदर होगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर को ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस टू बन गई। और इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आपको मिलेगा माइनस के कैपिटल के स्मॉल के, इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना एक्स पावर एन डी एक्स का रूल लगा के, माइनस एक बटा एक्स मिलेगा आपको। इनफाइनाइट से लेके आर तक इसकी लिमिट पुट करें, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो के कैपिटल के स्मॉल के और एक बटा में आर माइनस एक बटा में इनफाइनाइट, लिमिट पुट करने पर इतना मिलने वाला है। और बराबर में इसको लिख लें आप, डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू के कैपिटल के स्मॉल के एक बटा में अनंत की वैल्यू जीरो होती है, तो बटा में क्या पड़ा रहेगा इसके, आर। तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल कार्य निकाल लिया इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, विभव निकालना था। और विभव निकालने का क्या कंसेप्ट था हमारा, जो भी हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया हुआ कार्य है
उसके अंदर परीक्षण आवेश का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश का डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो विद्युत विभव कितना मिल जाएगा, विद्युत विभव V इज इक्वल टू W एक्सटर्नल डिवाइड बाय स्मॉल Q। इसमें जब स्मॉल Q का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, K कैपिटल Q डिवाइड बाय R। तो ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है R डिस्टेंस पर। आप देख रहे हो कि जो E का फॉर्मूला है वो था हमारे पास K क्यू बटा में R स्क्वेयर, लेकिन जो V का फॉर्मूला है वो होता है K क्यू बटा में R, मतलब दूरी की एक विमा का दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। विभव के अंदर दूरी की एक विमा कम होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा होती है। इसको नोट कर लें आप। हाँ जी, देखिए अभी बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है। विभव निकालने के लिए सिर्फ अपने को क्या करना होता है, एक परीक्षण आवेश लेना होता है अनंत पर, और उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस बिंदु पर विभव निकालना है उस बिंदु तक लाते हैं, और जितना बाहरी कार्य करना पड़ता है वो निकाल के उसमें क्यों का डिवाइड कर देते हैं। ये विभव का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमने आर दूरी पर विभव को डिफाइन कर लिया कि के क्यू बटा में आर होता है। अब हम लोग इसका दूरी के साथ ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे विभव का दूरी के साथ, विभव का दूरी के साथ ग्राफ, दूरी के साथ ग्राफ कैसा बनाएगा। देखो यहाँ पर यदि मैं R को लेता हूँ और यहाँ पर यदि V को लेता हूँ, तो अपने पास जो रिलेशन है वो ये है कि V व्युत्क्रमानुपाती है R के, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सिंगल पावर में डिक्रीज होना चाहिए, सिंगल पावर में ऐसे, ठीक है बात। बट कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में आपसे यहाँ पर आपको V दे देता है और यहाँ कहता है कि आप एक बटा R के बीच ग्राफ बनाओ, V और R के बीच में और V और एक बटा R के बीच में ग्राफ का अंतर है। आप देखोगे कि यदि मैं V को एक बटा आर के साथ देखूं, टोटल एक बटा आर के साथ, तो एक बटा आर और V दोनों समानुपाती में है, तो इनका ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये दो ग्राफ वेरिएशन हो सकते हैं, इनको आप लोग बना लें। ठीक है भाई, ओके। अब मैं इससे मिलता जुलता एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। किसका कॉन्सेप्ट है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, अनंत पर आवेश लेते हैं, अनंत पर। और अनंत से यदि मैं इस आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आऊँ, जैसे मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए तक लेके आना है, ए तक लेके आऊँ, तो जितना काम करना पड़ेगा, टोटल काम करना पड़ेगा, मतलब W एक्सटर्नल होगा, जो W एक्सटर्नल होगा वही क्या होगी, इस बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। और इसका हमने फॉर्मूला भी निकाला था, कितना निकाला था, के यदि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैपिटल के चार्ज का, तो K कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइड बाय R, डिवाइड बाय R। यदि मैं R डिस्टेंस पर देख लूँ इस पॉइंट चार्ज से, ये R डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये विद्युत स्थिति ऊर्जा का कंसेप्ट है कि आपको यदि कोई एक आवेश लेना है, परीक्षण आवेश, यदि आप उसको अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आते हो, जितना टोटल कार्य करना पड़ता है उस टोटल कार्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और यदि मैं इस टोटल एक्सटर्नल कार्य में इस क्यू का डिवाइड कर दूं, तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास विभव बन जाता है। बस विभव में और इसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। विभव में हम लोग बोलते हैं एकांक आवेश पर किया गया कार्य, मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल बटा में क्यू, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ओनली किया हुआ कार्य अनंत से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड तक परीक्षण आवेश को लेके आने, ठीक है। अब इसका मात्रक आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जूल भी लिख सकते हो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, यह आप लोग क्या कर लें, फॉर्मूला लिख लें। और परिभाषा यदि आप कहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत स्थिति से, अनंत स्थिति से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक
लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब एक दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम लोग बार बार आवेश को अनंत से क्यों लेके आ रहे हैं, तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो अनंत है वो निर्देश स्थिति होती है, या आप लोग यूँ समझ लें कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, क्या चीज़ है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या विद्युत विभव, ये दोनों ही ना रिलेटिव होते हैं। ये दोनों ही कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं, मतलब सापेक्ष राशियाँ हैं। इनकी यदि हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनकी गणना करनी है, तो हमें इनकी किसी निर्देश के साथ तुलना करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि मेरे को इस पॉइंट ए पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो इसकी मेरे को किसी अन्य बिंदु से तुलना करनी पड़ेगी और वहाँ की स्थितिज ऊर्जा से तुलना करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ कि वो जो अन्य बिंदु है, वो निर्देश बिंदु है, वो मैं इसको अनंत पर मान लेता हूँ। अनंत पर इसलिए मानता हूँ क्योंकि वहाँ पर विभव भी जीरो होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी जीरो होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है, जीरो होता है। तो हम लोग इस अनंत वाले बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं कि इसकी ए पर उससे कितने गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है या अपने पास पोटेंशियल है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।